दीप जलाएंगे, खुशियाँ घर घर में लाएंगे, हम दीप से दीप जलाएंगे, खुशियाँ घर घर में लाएंगे। अपना है ये राजस्थान, अपना है ये राजस्थान, इसको खुशहाल बनाएंगे। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। देखो आप लोगों ने आज अटई वास्ते बुलाया कि अपा गाँव में देखा कि लड़का और लड़की में बहुत फर्क करे, और लड़की ने तो घर में रखे, फटवा ने भेजे, दूध पिलावे, इस तरह को भेदभाव करे, और लड़की ने स्कूल में फटवा भी नहीं भेजे, टाबर ने फटवा भेजे और टाबरी ने नहीं भेजे। अठा तक कि मैं तो गाँव में जावा और आप पूछा कि आपके कतरा टाबर टूबर है, तो वह क्या मार तो दो ही है, लड़की ने तो वह टाबर भी न मानी, मार तो दो ही है भला सरी का। तो अब आपने ये देखना है कि बदलता जमाना के साथ है, आपने पलटना है, और आपने लड़कों और लड़की दोया नहीं स्कूल भेजना है, दोया नहीं बराबर रखना है, दो ही बराबर है। पर आप लोग गाँव में काम करो तो आपके यूँ बात कर पाऊँ तो गाँव वाला माने कौन है। अब आपने वो तरीकों निकालना पड़ी कि आप कई तरीकों अपनावा जो गाँव वाला बात ने मान ले। तो एक तो देखो कठपुतलियाँ के माध्यम हूँ आप उन्हें बता सका, और जब कठपुतली बतावा ने तो नरा तो तमाशो देखवाने भेड़ा हो जावे, नरा मतलब जो है सुने के भाई कोई ज्ञान की बात है। पर इको मैं गाँव में देखियो कि बहुत प्रभाव है, इस वास्ते मैं आप लोगों ने ट्रेनिंग दे रही हूँ, आप लोग यह सीख और पीछे गाँव में जा सबने सिखा जू। पर सब अच्छो तरीको यो है कि गाँव में जावा कई व्यवस्था न हुए तो भी फटो पर्दो लगायो और इका माध्यम दिखावा। अब देखो ये मनभर भाई और ये मासूम ये आपको ट्रेनिंग दे, अच्छा आप यह ट्रेनिंग जार गाँव में दीजो कि भाई लड़का लड़की में भेद न करनो, लड़कियां ने शिक्षा बराबर देनी, लड़कियां ने शिक्षा देवो बहुत जरूरी है ना, और छोटा छोटा टाबरा को ब्याह न करनो चाहे, 18 साल की तो भाई हो जाए और 21 साल को लड़को हो जाए यदि पढ़ना ना चाहे, नहीं तो छोटा छोटा ने पढ़ना दे तो टापरी बड़ो दुख पावे। आप देखो या बताए अब क्षण आप क्षण देवा जो सुन जो देखो गीत भी सीख जो गीत गाओ। देखो देखो गीतों तारे सिखावा एक नाटक वो गीत के साथ है, देखो एक्शन करेली के काई काई करना चाहो तो गीत में भी तारे सीखवा को मिले है ना। तो सुन छोटा टाबरिया को करनो नहीं जावे समझे री बात करो, छोटा टाबरिया रो करनो नहीं जावे समझे री बात करो, छोरो हो या छोरी ताके मन में बेदन लियावो, छोर हो या छोरी ताके मन में बेदन लियावो, पढ़ा लिखा होशियार करो ते मैंने मन का बनाओ, पढ़ा लिखा नारो लगावा और सभी किसान भाइया ने यही समझावा, माता और बहन और माताजी ने सबने यही समझावा कि भाया गांव में रहो खटे भी रहो अनपढ़ न रहो, अनपढ़ रहे बासु काम छूट को नहीं हो सका आपनो। हाँ अरे आपनो गांव जब भी तो पाछे रह गयो कि भाया आप अनपढ़ क्या। हाँ तो अब मैं चालू कर रहा जाऊँ मारो कार्यक्रम। अजी राम राम जी राम राम, अजी राम 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 राम। अरे भगवान जी अजी सुनो मारी बात कान खोल कर,
थे अबार तक देखो मारा 5000 रुपया को नया देखो हाल तो पांगो ब्याज को नया पूरा आज का 5 साल पहले थे लिया था मार को पैसा ताकि लड़की की शादी थी और थे आज तक 100 को दिया मन अजी लाला जी आज मत आना दिया तो जा रही छु मारो बेटो 12 से कमा के आवे छे पर मैं पूरा पैसा थाने लाके दे दूं छु भाई फिर भी तो कह रहे छो हाल तो ब्याज को नया ब्याज ए भगवान मत आज का झूठ बोल छो कई अरे मारी दुकान वाला चाल और तुम्हारो खातो देख ले थारा खाता में देख ले कितना पैसा दे तारा हां आए तो अजय महाराज मान पर छू ये तो मारी कमजोरी का फायदा उठा रहे छे तू हां अरे मारा बेटा ना आया वो देख लो सब कुछ आया थारा बेटा ने दिखा दीजिए सबने जो जो चाहो जो देख लीजिए हां आज तक तो पूरा ब्याज तक नहीं आयो और एक बात सुन ले कान खोल के अगर तू मन पैसा नहीं देवली ना ब्याज ब्याज का तो मैं पूरी थारी जमीन हड़प कर जाऊंगा आज ये सेठ जी महाराज यहाँ लोग काम मत कर जो निमारा छोटा छोटा बच्चा भूखा मर जाएगा मैं काय करूँ ली मैं ना घर की रेवली ना घाट की रेवली है घर की रेवली घाट की रेवली हाँ पैसा लेती टाइम बोलो कौन बोली है तू हाँ पैसा ले वाली टाइम बोलो हमारे कन्ना आएगी जल्दी से हमारी दुकान वाला हाँ समझ गई ना हाँ अजी राम नमस्कार अजी राम 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 अरे जी ओ काय शोर हो रहे छो हाँ अंडे क्यों जी लाला जी तेने क्यों सता रहे छो फालतू के अंदर हाँ हे भगवान तेरे कुण बुलाये छे बीच के अंदर हाँ तू बीच के अंदर पटेलन करवा काय आओ छे अंडे हाँ हे मारा पैसा उधार दियो रहे छो तो भागो ब्याज उने तो मैं पैसा मांग रहे छू और तू क्या बोल रही छे बीच के अंदर अजी अजी भाई जी देखो मारो बेचो मारो बच्चो जो भी कमा कमा के लिया बच्चो बे पूरा पैसा मैं लाला जी ने दे दू कद 500 कद 1000 और आज तक मत दिया जा रही छू पैसा लेकिन सेठ जी महाराज तो आए के बच्चे का आज तक तो पूरा ब्याज को नहीं आयो अब बताओ थे बताओ अच्छा अच्छा तो लाला जी महाराज यहाँ करो थे थोड़ा थको खातो दिखा जो हाँ हाँ आई से बड़ी खातो देख वाली तू कौन से खातो देख वाली हाँ जा जा अंडो जा तू काई खातो देख ली मारो हाँ फिर आंखों माखो हिसाब से बीच में खा लेना अजी देखो यहाँ मत सोच लो का अनपढ़ को का फायदा उठाओ तो अंगूठा छाप को ठीक है सागर मत छू चलो इससे तो गलती होगी होगी जो होगी लेकिन एक बात कान को उसको सुन लो लाला जी यहाँ गाँव में तो लूटमार मचा रखी ना आज चुको लगे ली बात देख लीजिए हाँ ए भगवान 5000 रुपया दियो छो उधार समझ गया ना अरे मैं 5000 नहीं देता तो देखिए लड़की की शादी हो जाती है बड़ी वाली की हाँ बीटा मत खड़ा गया सबका सब तो लाला जी तो ईमानदारी से थोड़ा काम तो लो थोड़ा भगवान भगवान का जानो ना जवाब देना चाहिए हाँ ब्याज पे ब्याज लिया जा रहा हो और फेरी की जमीन का पास और पड़े जा रहे होते हाँ ए भगवान तन का सबूत है तन का मालूम छे ए मन कदा 200 देवे छे कदा 100 देवे छे आया कर कर के तो मारो ब्याज का पैसा तो ले लूं मैं आ तो यहां करो सेठ जी महाराज तो थोड़ा खातो दिखा दो तो चलो दुकान वाला चलो 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 हाँ ओ खातो दिखा देख लो खातो ये खाता में देख हाँ देखो भाई देखो लो खातो देखो सेठ जी महाराज ये खाता का मायने पैसा ज्यादा और दे लिया था ना और फिर भी थे आंखों पाछों कौन छोड़ रहा अरे 1500 रुपया ज्यादा मांगा छे तामा बापड़ी हाँ तो थोड़ी अनपढ़ चाहिए फायदा उठा रहे थे हाँ अरे अजी अजी थे माने बचा ली बाजी मत आगो क्या शुक्रिया तो करूँ अगर थे नहीं होता तो लालो तो माने बर्बाद कर दे तो इसलिए तो भगवान में स्थान समझाऊ छू का भगवान गाँव में पढ़वा लिखवा बहुत जरूरी है ए पढ़वा लिखवा सु हर फायदो छे हाँ देख मारे घर में देख मारी बेटा की बहू पटोड़ी छे हमारो बेटो पटोड़ी छे मारा पोती पोता सब स्कूल जावे छे हाँ अजी अजी भाई जी महाराज अब तो देख लो मैं भी एक बात सुन रही छू अब आज के बाद मैं अनपढ़ को नहीं रहूंगा अपना गाँव में पढ़ो शिक्षा को चालू छे ना वो बुढ़ा ने पढ़ाओ छे हाँ तो तू बड़े चाल जाए और थारो नाम लिखा जाए तू हमारी मन के आगे खोल दी नहीं मैं तो आंधी छी आंधी हाँ एक बार सुन ले कान खोल के जितनी पढ़े ली लिखली आजकल का जमाना में बुत्तो काम आओली हाँ अरे भाया यो तो तन हर कोई लूट सके जा है अरे पढ़ी लिखी तो घर न किया केवटी ली तो मालूम चला हाँ तो चला हाँ चलो 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 लाग्यो रे जट
राजस्थान में संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के तहत वर्तमान में 24 जिले कवर किए गए हैं और इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि बाकी के 7 जिले जो बचे हुए हैं वो भी इस कार्यक्रम के तहत कवर कर लिए जाएं। तो इसी चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा को सरकार कितनी प्राथमिकता देती है। राजस्थान एक रंगों से भरा हुआ प्रदेश है और पहला जो चरण संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के तहत होता है, जिसे कि हम वातावरण निर्माण कहते हैं, उसमें इन रंगों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के उन सभी प्रतिभाओं को जो कि उसी प्रदेश में निवास करती हैं, जैसे कि ज़िले के निवासी, गांव के निवासी, पंचायत समिति के निवासी, वहीं के लोगों को इस पूरे कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाता है। कला जत्थों के माध्यम से, रैली के माध्यम से, कठपुतली प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग वातावरण निर्माण करते हैं। ये और प्रदेशों में भी इसी तरह से किया जाता है। ध्यान में ये रखा जाता है जब उनका प्रदर्शन किया जाता है कि वहीं की लोक कला, वहीं के इतिहास, वहीं की भाषा का प्रयोग किया जाए, जिससे यह एक सशक्त माध्यम बन सके एक साक्षरता का संदेश बनाने का, पहुंचाने का। जैसा कि अनुभव हुआ है अब तक, तो इन कला जत्थाओं के माध्यम से हम लोग इस संदेश को बहुत प्रभावी तरीके से जन जागरण हमने पैदा किया या गांव के लोगों तक हम बहुत प्रभावी तरीके से संदेश को पहुंचा पाए और जो जन चेतना उभर के आई उससे बहुत ही अच्छे नतीजे निकले। ए भाया रे पड़बान थे चलो, भाया रे पड़बान थे चलो, सीरा रे पड़बान थे चलो, सीरा रे पड़बान थे चलो, कर जुड़ो सफल बना ले मरा छगना मगना, कर जुड़ो सफल बना ले मरा। योजना सरकारी क्या आपनों करे पर...
बधाई दो। आज बतावा आप सभी ने, आज बतावा आप सभी ने हर योजना को सही कह दो। आज आज अपनी ही सरकार है, कुछ करो आप कोशिश। सरकार सहायता देवे सभी ने, सरकार सहायता देवे सभी ने, यो ही असली सार है, यो ही असली सार है। ए मारा टाबरा की माँ बड़ा सुन रही को निकाई, ए मारा टाबरा की माँ देगी कने आ अजी कहीं छे। अरे भगवान, तू तो यहाँ बोले छे जी हाँ बिजली करंट मार दियो। जब तू प्यार से बोले है तो मारा दिल ने शांति मिले है, वो जब तू गुस्सा से बोले है तो मारो दिल क्या करे जी गाड़ी को इंजन धोक 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 धोक। अजी छोड़ो छोड़ो, हाँ तो लाडली हटिया पब्लिक पूरी बैठी थाली, अच्छा जल्दी आ बजवा दे ताली। आई जी आई मर्दा लुगाया माई क्यारी लड़ाई, मारो देवर थारो भाई मने करावा रोज पढ़ाई, इन खातर मैं देर सुवाई, आप सभी माफी दो भाई। धत्तेरी की कर दियो घंटा धार, हो गयो बेड़ा पार, तू पढ़ लिख कर होगी नौकरी खातर तैयार। पड़ी काबरा टीगरा अड़ंगा ने कुल संभाल सी मारा बरतार, सुनो या सार पढ़ाई की है सब ने दरकार, और आज रा जमाना की जा ही है पुकार, सब ने पढ़ानो चावे छे सरकार। देखो भाइयों देखो या भाषण झाड़ रही छे, अरे मारा जिसा पढ़ा लिखा पति नहीं पढ़ा रही छे। हे मारा पति देव गीत का ले पर भाग बिजाता, पूरी तो सुन लियो हरी बाता, घर माए लुगाए पढ़ी लिखी हुए तो टाबरा ने सही तरीका सो पाले, बाकी पढ़ाई को ध्यान अच्छी तरह रखे, घर को हिसाब रखे, अच्छी भुंडी बाता माए अकल सु काम लेवे, और आप रे घरवाली ने पढ़ाने के साथ थे खुशहाली ही खुशहाली पशो, समझा। वाह 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 मारी लाल मंगे जन बोरी, मने थार पे नाज है, इनी वास्ते तने बुलाई आज है, तू सब बहिना मातावा और भाईया भाभिया ना समझा के पढ़ाई में कितना गुना है, औरत और मर्द पढ़नो चाहे जे तो उम्र को कोई फर्क ही कोना हुआ छे। हाँ बहनों साची सुन लीजो, प्रौर शिक्षा माय सब पढ़ लीजो, ईसु ही सुधरे गो परिवार, हर गांव गली हर मोहल्ले माय प्रौर शिक्षा रो प्रचार, और सबने पढ़ानो चावे छे सरकार। तो तने मैं एक खातर ही एक गानो गा के सुना दियू, अजी सुनाओ सुनाओ ताकि आवाज तो पिए मने कोयल सु मीठी लागे छे। हाँ गाँव में बहुत सुनी लो सुनी ना, तुम आसो एक गानो सुन। चला चला भाई चला 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 है ये अभियान, चला चला भाई चला 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 है अभियान, शोषण से वो लड़ पाएगा, शोषण से वो
पकड़ पाएगा।